तो हम शुरू करते हैं प्रतियोगिता। हमारी पुरानी एड एजेंसी स्टार एड एजेंसी का प्रेजेंटेशन, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं पत्रा साहब। चल सोनिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल। ए कौन हो आप? क्या? अबे चुप, मेरे पैसे। अरे रे चुपचाप सीधे। अरे पैसे, अरे भाई साहब मेरे पैसे। अबे चल। नहीं चलेगा यहाँ जुर्म का राज, ना कोई दहशतगर्दी। मुहाफिज है ये पुलिस की वर्दी, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ। जय हिंद। इससे बहुत सी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी फोर्स ज्वाइन करने के लिए। आई लाइक इट। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। सेटअप रेडी है। उनसे टेंशन क्यों? कौन सा सेटअप? जो हमें करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उन्होंने ही। मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। अब देखो, देख तुम हमेशा कहती हो ना कि दिल की बात ही सच होती है, बाकी तो सब माया जाल है। तो बस दिल की सुनो और जो दिल कहता है पटाखे से कर दिए जाओ। ठीक हो? पुलिस दीदी है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ जाओ खेलो। ना दावा ना वादा, खाकी पर होंगे कुर्बान। खुद से किया है वादा, मानवता की रक्षा के लिए दे देंगे जान। हमारी पुलिस सदा आपकी सेवा में तत्पर। जय हिंद। यही तो हमारा संदेश है। हमारा मकसद सबसे पहले मानवता की रक्षा है, निर्दोष और कमजोर लोगों की सहायता है, और यह संदेश अतरंगी एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन से स्पष्ट है, तो परिणाम भी स्पष्ट है। आगामी पीआर कॉन्ट्रैक्ट जाता है अतरंगी एड एजेंसी को। हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। जय सर। जय जय। वाह क्या बात है, कमाल का प्रेजेंटेशन था करिश्मा सिंह, प्राउड ऑफ यू। हमने तो सिर्फ अपना सोच दीप्ति पे रखा था, बाकी दीप्ति है जिन्होंने इस पे काम किया, और आप तो देख ही सकती हैं, तो सारा श्रेय जो है वो दीप्ति को जाता है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कभी शक था भी नहीं। क्या बात है बत्रा साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैडम जी मजाक उड़ा रहे हो क्या जी? इस पुलिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा था, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो धंधा खत्म तो ये बत्रा खत्म। मैडम और आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से हुआ है? मैडम सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। दीप्ति प्रेग्नेंट है और मेरे किस काम की है ये सोचकर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। ना ही वो ये नई कंपनी ज्वाइन करती, ना हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकलता, और ना ही मैं सड़क पे आता। मुझे माफ कर दे दीप्ति, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था यार, जो मैं तेरी वैल्यू नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं मिस्टर बत्रा, देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओ मैडम जी क्या कहना चाह रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा। चलिए आप दोनों को हम एक सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। सच ये है कि अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। हमें समझ में आने लगा था कि दीप्ति की लाइफ और उसका होने वाला बच्चा, उन दोनों पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको खुश करने के लिए हमने कंपनी खोल दी जिसका नाम है अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और उस एजेंसी के लोग, आइए जी हाँ, इस कंपनी के लोग यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे इकबाल, रिसेप्शनिस्ट बदनाम खुद,
और सीईओ यानी कि हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हमारा काम था दीप्ति को खुश करना, जो हमने कर दिया। और यहाँ तो एक पंथ और दो काज की सिचुएशन हो गई। दीप्ति की लाइफ स्ट्रेस फ्री भी हो गई और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो गया। ओए दीप्ति, तू तो बहन है ना मेरी, इधर आना, वहां क्या खड़ी है? वेलकम बैक। दीप्ति कल से जॉब ज्वाइन कर ले, ठीक है? अरे कहा सुना, माफ करना यार। अरे देख, तेरी सैलरी डबल, ठीक है? अरे सारे मेडिकल बेनिफिट्स, सारी मैटरनिटी लीव तेरी। अरे और बोनस अलग से, प्लीज यार। देख देख, मना मत कर यार, प्लीज। अरे अरे भाई हूं यार तेरा मैं। शुक्रिया मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपके और आपके थाने के लिए इतना तो बनता है। अब क्या बताएं, जब से आपके बारे में सुना है दिल का चैन, रातों की नींद उड़ गई है, जज्बात ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, जी करता है अभी बारात लेके आपके घर आ जाए और आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। आपके बारे में सुनते ही समझ गए थे कि आप ही हैं वो जिसे ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है, हमारी बेटर हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी लाइफ, हमारी वाइफ। वाईफाई यहाँ का खराब हो चुका है और हेलो। अरे मिल सकते हैं क्या हम दोनों, ताकि बात आगे बढ़ सके? डेट डेट मैया का सच क्या था ये? हमें नहीं पता क्या था ये, सच में हमको उनकी अम्मा से पूछना चाहिए कि क्या था ये, कौन इतना चेप इंसान है। हाँ देखिए, अब जो भी है, मैडम सर की अम्मी ने ढूंढा है उसको मैडम सर के लिए। अब मैडम सर तो है नहीं ना, किसी सीक्रेट मिशन पर गई है बात। डीएसपी सर ने कहा है कि किसी को भी, माने किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैडम सर यहाँ नहीं है। अगर उस लड़के को पता चल गया और उसने अगर मैडम सर की अम्मी को बता दिया तो फिर क्या होता? हम क्या जवाब देते मैडम सर को और उनकी अम्मी को? मतलब सारे किए धरे पर तो पानी फिर जाता ना, क्या बिगड़ जाता आपका? दो चार मिनट और बात कर लेती तो थोपड़ा फोड़ देते अगर हमारे सामने होता ना, हम थोपड़ा फोड़ देते उसका। हाँ समझ के क्या रखा है उसने, वो जो ट्रेन के पटरी के बाहर जो वो किताबें नहीं मिलती है सड़क छाप, जिसमें वो शेर लिखे हुए होते हैं, वहां से उसने ढापा और हमारे ऊपर छाप रहा है वो। हमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ फास्ट फूड के जमाने में मूंगफली जो है छील रहा है वो, घटिया टोपा इंसान कहीं का। नहीं बात करेंगे हम, नहीं बात करेंगे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हसीना मैडम की अम्मी ने ये घटिया लड़का कहाँ से चुन लिया। नहीं मतलब कोई ढंग के लड़के नहीं चुन सकती वो। नहीं आप सही कह रही, लड़का तो ढंग का ही होना चाहिए। सारे ढंग के लड़के जो थे ना वो हमारे लल्ला के साथ ही खत्म हो गए। इसी इच्छाधारी नागिन ने उस पर कब्जा जो कर लिया है। क्या बताए, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिस दिन वो पहली बार इस नागिन को हमारे सामने लेके आया था ना, तब हमने बोला था कि मत कर इससे शादी, मत कर। मगर नहीं, एक दिन वो तुम्हारे भी भाग फोड़ देगी और हमारे भी भाग फोड़ देगी। मगर उसको सुनना ही नहीं था ना उसका। Hi, Lucy this side. Hi Lucy, how are you? I'm fine, how are you? I'm okay. अरे बदनाम भाई, चाय दोगे? ना। Wow. चलो यार बदनाम। Thanks social media, you know, जान पहचान, close, best close friend. Yeah. I don't, Hindi. I don't like Hindi. I like it English. Yeah. Wow, yeah. फिर देखो अंग्रेजी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, यू नो, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। अबे चाइल आदमी, फोन क्यों फेंका? चाइल हमने, तू है क्या कर रहा था? डिटर्जेंट डाल दिया तूने चाय में? हाँ फालतू आदमी, देशद्रोही। देशद्रोही? हाँ देशद्रोही तो क्या है, धंधे के टाइम पे तू आशिकी कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में तेरा क्या योगदान है? किससे बात कर रहा था तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सोशल मीडिया वाली सुजी। अबे चपर दे, प्यार से नाम ले, लूसी नाम है। अबे लूसी हो चाहे सुजी हो। ए इकबाल, अरे सोच बाद में, फोन कहाँ है मेरा? उठा के हमने फेंक दिया, हम क्या जाने उधर फेंका। अरे फेंका क्या, ढूंढ, चल उठते इस लोग को।
मुलाकात हम भी आपसे करना चाहते हैं, हम भी आपसे जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम भी ये देखना चाहते हैं कि जो हम भी ये देखना चाहते हैं कि आपसे जो हमारी मुलाकात होगी वो एक खूबसूरत याद बन के रह जाएगी या फिर जिंदगी भर का सफर। धन शेर सुनाइए। एक काम कर, सुनो, आज तक जिसकी हेल्प हम करते आए हैं उससे हेल्प लेते हैं। मेरा फोन दिलवा। आजा भाई, बहुत प्यार करता हूँ लुक्सी से। चलिए, निभाते रहे कुछ पहर यूं भी ये रिश्ता, आप अपनी कहते रहिए, हम अपनी सुनाते रहे। चलिए रखते हैं, बाय। इसकी मैया का सड़े हुए टमाटर के बीज कहाँ घुसे चले जा रहे हो? और जो चीता भाई, तुम्हारे पास की बात नहीं है, बड़ा केस है मैडम सर का, ये सरकारी अफसर हो, घुसे जा। बैठ जा। चीता भाई, तुम समझ नहीं सकते, मैडम सर को मिलना बहुत जरूरी है। मैडम सर, चुप चुप चुप, क्या हुआ? मैडम सर नहीं आए और दो चार दिन नहीं है, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा तुम्हारे सर पे जो मैडम सर के लिए इतना बोराए जा रहे हो तुम? पुष्पा जी, पुष्पा जी कभी कभी काट लेता है। चीते, अरे नहीं काटता हूँ मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मेरे दुकान से मोबाइल चोरी हो गया मैडम। फोन कैसे चोरी हुआ आपका, डिटेल में बताइए। आप भी बताता हूँ। बदनाम जी, मैडम इसका तलाशी लो। तलाशी? पुष्पा जी, हमारी तलाशी? हाँ हाँ, अम्मी कसम खा के हम चोरी नहीं किए, चाहे हमारी पूरी तलाशी ले लीजिए। एक बार ये बोल के दे सकती हम चोरी करें। रो मत, रो मत संधु, हमें जरूरी काम से जाना है, डीएसपी सर ने बुलाया, जब वापस आएंगे उससे पहले तुम एक काम करके रखो, वो जो फोन है उसका लोकेशन ट्रैक करो, फोन का पता लगाओ, उसके डिटेल सारे हमको दो। नहीं नहीं, एक मिनट मैडम, वो फोन का कुछ नहीं हो सकता मैडम, वो आपको उठाना ही पड़ेगा, आप ही को बात करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती। इसका फोन जो घुमा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा तो मैडम, मेरा फोन। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं आज आप। हाँ करिश्मा सिंह जी, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, बात कहाँ से शुरू करें। सच पूछो ना तो आज हमें हसीना मलिक जी की बहुत कमी महसूस हो रही है, उनकी कमी खल रही है। खैर, शुक्र है कि आप यहाँ पर हैं। जितना भरोसा हम मिस मलिक पे करते हैं ना, उतना ही भरोसा हम आप पर भी करते हैं। धन्यवाद सर, पर बात कहाँ है? इंटेलिजेंस से पता चला है ताजा ताजा कि हमारे देश पर आतंकवादी गतिविधियां होने वाली हैं, और उस आतंकवादी की मदद लखनऊ के किसी नंबर से की जा रही है। देखिए, ये वो नंबर है जिस पर आज ही संदिग्ध कॉल ट्रेस हुई है, व्हाट्सएप चैट हुई है। क्योंकि हमारे सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस नंबर को हमने सर्विलांस पे डाल दिया है। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते करिश्मा सिंह, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। पर सर, समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सब में हम कहाँ फिट हो रहे हैं, मतलब हम कैसे सहायता कर सकते हैं पुलिस विभाग का। ये जो नंबर है ना, बदनाम का नंबर है, ये वही बदनाम चाय वाला है जो आपके थाने के सामने सालों से चाय की दुकान लगाता है। ना? हाँ, इसी तरह हम भी चौंके थे, हम भी हैरान हुए थे जब हमें ये लगा कि ये बदनाम चाय वाले का नंबर है। सर, प्रथम बात तो ये कि हमें नहीं लगता इस आरोप में कोई भी सच्चाई है, क्या हम बदनाम को बहुत अच्छे से जानते हैं? अरे ये तो केवल संभावना है ना करिश्मा सिंह जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं। अरे वो भी हो सकता है जिसे हम मानना नहीं चाहते। सही कहा सर आपने, होने को कुछ भी हो सकता है जो शायद अभी हम माना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा बात है तो बदनाम हमारा जितना भी जाचा परखा आदमी क्यों ना हो सर, अगर उस पे कुछ शंका है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीर, तो उस पे कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। अगर वो निर्दोष हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उस पे आँच भी नहीं आने देंगे, लेकिन अगर वो गुनहगार हुआ तो उसे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद।
बाबू तुम लैपटॉप में घुस जाओ, खड़ा रहो ना यार सीधा से। ओके। बदनाम जी, मैंने चोर की सारी डिटेल्स लिख ली है। फिलहाल जिसके पास भी आपका फोन है ना, उन्होंने जीपीएस बंद करके रखा है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम दुकान में जाएंगे और नया सिम ले लेंगे आपके लिए, ठीक है? हम क्यों जाएंगे संतोष जी, हम की है, इतना खाली बैठा रहता ही जाएगा अकेले। हाँ हाँ वही जाएगा, ले लेगा, लेकिन करें क्या, होगा क्या बताओ तो। तब तक के लिए आपके पहले वाले नंबर पर आने वाला एक भी कॉल मिस नहीं होगा। पूछो कैसे? कैसे? उसके लिए आपको मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को थैंक्स बोलना चाहिए, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनानी चाहिए, मुझे पिलानी चाहिए, और मैडम सर के सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है वो होगी, लेकिन आपने ऐसा किया क्या है कि आपकी तारीफ क्या है? मैंने इनका नंबर इनकी वाइफ डिंपल के फोन पर डाइवर्ट कर दिया है, तो इसलिए आपके पहले वाले नंबर पर जितने भी कॉल आएंगे वो सारे के सारे डिंपल भाभी के फोन पर आएंगे। लेकिन ये डिंपल है कौन? इधर आओ, तुम इधर आओ। दारू तुम्हारे, ये कैसा पागल आदमी है, अपनी बीवी को भूल गया तू? डिंपल बिल्लू बिल्लू बेगैरत इंसान है, बीवी को भूल गया? अरे हाँ। अरे मैडम डिंपल भाभी तो टेंशन नहीं, मेरी बीवी है वो तो। मुझे पता है, आपको बता रही हूँ मैं। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब डिंपल तो तू है ना? नहीं हूँ, नहीं थी। अभी क्या है, डिंपल भाभी ने वो मोबाइल जो है ना सिम सहित सुमन भाभी को गिफ्ट कर दिया, तो रोना तो नहीं आ रहा है लेकिन अफसोस है हमको। बदनाम भाई, आपकी चाय के पैसे की उधारी देने दे, अब किसको दूंगा? कहाँ है? जेब में। दो। जाओ 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 बैठो। क्या? अब तो दोस्त नहीं तो दुश्मन है। नहीं नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरे एक मिनट, जानते हैं तुम धरती पर बोझ हो, तुमको मर ही जाना चाहिए, लेकिन अचानक से क्या उतावलापन हो गया? किताब भाई अनर्थ हो गया। अरे लूसी के, लूसी फोन किया सुमन को, सुमन को पता चल गया होगा। अरे सुमन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेरा खून पी जाएंगे, मेरे चितड़े चितड़े करेंगे, चील कौवे को खिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मारे उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। तीर कमान से निकल चुका है, अब लूसी इंडिया आकर ही रहेगी। अब हमारा मिशन कामयाब होगा, जीत हमारी होगी। अरे मैडम बचाइए, बचाइए मैडम, बचाइए मैडम, बचाइए मैडम, बचाइए, कौन सा रे चिता, बचाइए बचाइए मैडम, पुष्पा पुष्पा जी बचाइए, बचाइए बचाइए, आराम से आराम से बचाइए। अरे 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 लूची, क्यों नहीं बताया मुझे इसके बारे में? अरे गलती हो गई, गलती मारो। अरे अरे क्या मारो, पहले पूछो तो सही कि कौन है, क्यों मारना चाहती है? तुमने ऑर्डर लेने से मना कैसे कर दिया? ऑर्डर? हाँ ऑर्डर 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 ऑर्डर। वो लूची तुम्हारी कोई कस्टमर है ना? हाँ कस्टमर है, कस्टमर है। एक मिनट कस्टमर, बैठिए बैठिए, एक मिनट आंटी, बैठिए आंटी। अरे दम पिसाच लो, हैं कस्टमर है तो बीवी की तरह का है बर्ताव कर रही है, चप्पल लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, कहाँ है? अरे चीता भाई कस्टमर नहीं बीवी है वो। बीवी? हाँ। तुम्हारी बीवी तो वो है ना, एक लौंडा जैसे दिखने वाली, का तो नाम है उसका, डिंपल, डांबा जैसा शक्ल लेकर दुद्दू को जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम्हें, कैसा आदमी है तुम्हारा, क्या कर रहा है? डिंपल भाभी बनती है ना, हम ही बनते हैं, हम ही हैं डिंपल। कैसा शौक रे, शौक नहीं देखो मजबूरी है, तो बिल्ला ना हमको उधार पैसा हमारा देता नहीं है, तो मजबूरी है, क्या करेगी? आराम से पीछे 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 थाना ये थाना है ना? बदनाम हाय तो अरे मैडम मार दो मैडम, अरे मैडम मार दो अरे मैडम, क्यों मार रहे मेरे पति को ऐसे? पति? जी हाँ, तुम्हारे पति ने ना बहुत बड़ा घटियापन किया और चूरनगिरी किया। क्या घटिया काम कर दिए बताओ ना? प्लीज मैडम इंग्लिश में बात कीजिए, मैडम इसको इंग्लिश नहीं आती है। और तुमको आती है? हमको आती है? बिल्कुल भी नहीं।
बाप रे, ना पिताजी। इसीलिए कौन सा अंग्रेजी में बतिया है तुमसे बताओ? मैडम वो तोड़फोड़ वाला जुगाड़ कीजिए ना मैडम। हाँ मैडम प्लीज प्लीज। Who is Lucy? हाँ वही, हम भी तो कब से वही पूछ रहे, कौन है ये लूची? बार बार हमें फोन करके परेशान कर दिया है, कोई अतरंगी भाषा में बोले जा रही है, आऊं छू पाऊं छू। अरे थाई 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 मैडम, थाई भाषा बोलते हो ना, थाईलैंड से है ना वो। आऊं छू क्या, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ वो कह रही थी कि पेड नेम से बात करनी है और कोई ऑर्डर के बारे में पूछ रही थी। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना हमने सोचा था, होना हो ये ऑर्डर किसी बड़े कांड से पक्का जुड़ा है जिसका हमें जल्द ही पता लगाना होगा।